जी मैम, तो खाली वहाँ ये एक काम कर रहा है, मैंने ब्रांच क्या क्या है। एक सब खाली है आपका। फूलमती जी, आप कितने तक की जो है क्या कहते हैं सब्जियां बेच लेती थी पहले नोटबंदी के पहले? नोटबंदी के पहले भाई साहब 1000 रुपया तक कमा लेते थे। अच्छा, और अब कितना कमाती है? जब से पैसा बंद हो गया तब से 200-400 का काम हो पाता है। तो ये सब बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, परेशानी हो गई है जब से नोट बंद हो गया है। बोलिए क्या करें, पहले तो पेट चल जाता था, अब तो बच्चों के रोटी नहीं चल पाती है, काम नहीं हो पाता है। 100-200 रुपया कमा लेते उसमें कैसे घर का खर्चा चलेगा जब से नोट बंद हो गई है। क्या नाम है आपका? रफी अहमद। रफी अहमद जी, नोटबंदी के पहले जो है आप कितने तक के अपने अनार बेच लेते थे? अनार 500-600 का बेच लेते। अच्छा, और अब कितने तक का बेचते हैं? 200-250 का। अच्छा, तो ये जो नोट बंद हुआ है इसके विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे? इससे परेशानी हम लोग, दुकानदारी में फर्क है हम लोग। नोटबंदी हुए आज एक महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, लोगों ने रुपए बदले भी और बैंकों में जमा भी किए। जहां बैंकों में अभी तक लाइनें लगी हैं, वहीं एटीएम में भी लाइनें लगी हैं। आम शहरवासी किस प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं इस नोटबंदी के कारण, कहीं कहीं एटीएमों पे लंबी लंबी कतारें हैं तो कहीं कहीं एटीएम बंद पड़े हैं, कहीं एटीएम खुला भी है तो उसमें कैश नहीं है। नोटबंदी से देश में काला धन आया कि नहीं आया, या आएगा कि नहीं आएगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से आम शहरवासियों ने अपने जवाब दिए हैं उससे साफ पता चलता है कि नोटबंदी से आम शहरवासी या जनता अभी भी परेशान है। कैमरामैन धीरेन्द्र सिंह के साथ ब्रजेंद्र बहादुर मौर्य, KKT न्यूज़, लखनऊ।